नमस्कार मैं हिमांशु कुमार आप देख रहे हैं भारत लाइव बिहार के मुखिया नीतीश कुमार को खुद को सुशासन बाबू कहलवाना पसंद है लेकिन अब वो कटघरे में खड़ा हो गए हैं लगातार विपक्षी पार्टियों के निशाने पर हैं जिस तरीके से बिहार में अपराधी बेखौफ हुए हैं और खुलेआम हत्या को अंजाम दे रहे हैं जो कहीं न कहीं बिहार में कानून राज विधि व्यवस्था पर बड़ा सवाल निशान खड़ा कर रहा है और इसको लेकर नीतीश कुमार की परेशानी इसलिए बढ़नी तय है क्योंकि विपक्षी पार्टियां तो इसको लेकर हमलावर हैं ही जब जब कानून शासन की बात आती है तो बीजेपी भी हमलावर हो जाती है और आप, हमने आपको कई बार ऐसी कई बयान आपको बताए हैं बीजेपी नेताओं के बीजेपी आलाकमान के जो नीतीश कुमार पर कानून व्यवस्था को लेकर निशाना साधते रहे हैं वह जो आपको पता होगा बीजेपी की नजर नीतीश कुमार के गृह मंत्रालय पर है जो खुद नीतीश कुमार के पास है और इसी वजह से बीजेपी कानून व्यवस्था को लेकर नीतीश कुमार पर निशाना साधती रहती है मधुबनी में भी जन नरसंहार को लेकर नीतीश कुमार निशाने पर थे ही कि कल ही आरजेडी नेता की अंधाधु फायरिंग करके उन्हें मौत के घाट उतार दिया गया और अपराधी उन्हें जिस निरता के साथ जिस बेखौफ तरीके से आरजेडी नेता की हत्या करी है, एक बार फिर से नीतीश कुमार अब विपक्षी पार्टियों के निशाने पर आ गए बाकायदा तेजस्वी यादव ने ट्वीट कर में घर से निकलना नहीं बाहर है क्योंकि अपराधियों का कहर है चहोर निशस्त्र नरसंहार है लाशों का ढेर अपार है सुशासन अपरम्पार है पुलिस निर्दोष का फुर्ती कपार है जहरीली शराब की बहती बयार है अपराध के डबल इंजन का बहार है हाँ भैया यही तो असली नितीश कुमार है इसके अलावा उन्होंने अखबारों के कई स्क्रीन जो है वो लगाया है जिसमें लिखा हुआ है हैडिंग्स में नवादा में चार और की गई जान सोलह हुआ मरने वालों का आंकड़ा आलमगंज में युवक की चाकू मारकर हत्या फायरिंग चार भाइयों की हत्या सुपौल में तीन युवकों की हत्या कर फेंगे तेजस्वी यादव लगातार नीतीश कुमार को घेर रहे हैं और आपको याद होगा नीतीश कुमार जब भी चुनावी मंच पर खड़े होते हैं तो अपना काम गिनाने के लिए उनके पास बहुत कम होता है लेकिन बार बार वो जंगल राज की याद दिलाते हैं और कहते हैं कि अगर वो सत्ता में नहीं रहे तो फिर से जंगल राज आ जाएगा और तेजस्वी यादव इस बात को भली बात समझ रहे हैं कि यही वो कमजोर पक्ष है जहां नीतीश कुमार को घेरना है और बताना है कि आपके राज में भी जंगल राज है और कहीं जंगल राज से भी ज्यादा खतरनाक स्थिति हो गई है जहां अपराधी बेखौफ होकर लोगों के मौत के घाट उतार रहे हैं और तेजस्वी यादव बार बार क्राइम के मुद्दे को लेकर नीतीश कुमार को घेर रहे हैं क्योंकि यही वो नब्ज है नीतीश कुमार की शासन वाली छवि जो उनको लंबे वक्त तक मुख्यमंत्री के तौर पर कहीं ना कहीं वो काबिज हैं और इसी पर लगातार तेजस्वी यादव अटैक कर रहे हैं तो इस तरीके से सुबह सवेरे तेजस्वी तो यादव ने मुख्यमंत्री कुमार को फुल डोज दे दिया है और लगातार नीतीश कुमार अब निशाने पर हैं और लगातार उनकी परेशानियां बढ़ती जा रही है तो आप यूँ देखते रहे भारत लाइव अब गोपल पल की खबरों से लगातार अपडेट करते रहेंगे अगर ये वीडियो पसंद आई अरे वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखें नहीं तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर लें ओ यह एगो घंटी बाद बटन दबा दिला से कुल सटीक और मारक खबर मुफ्त में मिल जाए अगर हुआ पत्रकारिता के हमने के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतनी तो ज्वाइन बटन दबा दी पेटीएम नंबर नोट करी नाइन धन्यवाद